वेलकम टू बेबीज़ गैलरी। आज बेबीज़ गैलरी पे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक मज़ेदार और चटपटी रेसिपी जिसका नाम है वेजी टैको। इस पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान हम बस यही सोचते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाई जाए, उनको क्या क्या खाना खिलाया जाए कि उनका इम्यूनिटी पावर बढ़े और उनको कोई बीमारी जल्दी से ना हो। पर हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे भी घर पे बंद होके बिल्कुल बोर हो चुके हैं, उनके भी जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं उनको हमें थोड़ा स्ट्रॉन्गली हैंडल करना है। इसलिए हमें उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ खेलना है, टाइम स्पेंड करना है और कभी कभार स्नैक्स में ऐसे चटपटी चीज़ें भी उनको खिलाना है ताकि उनका भी मन बहल जाए। और ऐसे हेल्दी एंड टेस्टी बेबी फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 3 कप्स आटा। आप आटे की बदले पे यहाँ पे मैदा भी डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको हमने एक छन्नी से अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एज़ पर टेस्ट और हम इसमें डालेंगे ओरिगैनो। अगर आपका बच्चा थोड़ा तीखा पसंद करता हो तो आप इसमें ब्लैक पेपर और जो सूखी लाल मिर्च के फ्लेक्स होते हैं यानी कि रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी सूखे आटे के साथ। पहले इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि जब हम आटा गूँने तो पूरा बराबर ये चारों तरफ मिक्स हो। अब मैंने 1 कप पानी ले लिया है और अपने हिसाब से मैं इसको आटे में मिलाती रहूँगी और गूंथती रहूँगी आटे को। हमें आटे को ज़्यादा नरम नहीं करना है वरना टैकोस जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ज़्यादा ही नरम हो जाएंगे तो उसको हम जब पलटेंगे तो वो ठीक से नहीं होगा। हमने अच्छे से आटा गूंद लिया है यहाँ पे और मैंने 1 टेबलस्पून बटर इसके ऊपर डाल दिया है। अभी हम इसको थोड़ा पूरा लगा लेंगे अच्छे से और थोड़ी देर हम आटा को रेस्ट पे रखेंगे। हमें इसके ऊपर कपड़ा या कोई बर्तन से ढक के इसको रखना है। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी फाइनली चॉप्ड ऑनियन। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा साइज़ का ऑनियन लिया था। फाइनली चॉप्ड किए हुए टोमेटोज, मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 टोमेटोज डाले हैं। और अब ऐड करेंगे बॉयल किए हुए स्वीट कॉर्न्स। अगर आपके बेबी को स्वीट कॉर्न से एलर्जी है तो आप स्वीट कॉर्न अवॉइड कर सकते हैं या इसके बदले कोई और वेजीज़ भी ऐड कर सकते हैं या चिकन के पीसेस भी आप ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर डाल दिया है फाइनली चॉप्ड किए हुए कैरेट एंड फाइनली चॉप्ड किए हुए कैप्सिकम। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा लहसुन। मैंने यहाँ पे 5-6 क्लोव्स ले लिए थे गार्लिक के, इसको भी फाइनली मैंने चॉप्ड कर लिया है। अब सारी न्यूट्रिएंट्स को हमें मिक्स करना है। अब मैं इस पे ऐड करने वाली हूँ चीज़ स्प्रेड। मैंने यहाँ पे अमूल का चीज़ स्प्रेड लिया है जो कि क्रीम बेस है। आप चाहे तो जो नॉर्मल चीज़ होता है, चीज़ क्यूब होती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेट करके। ये थोड़ा ऐसे क्रीमी टाइप का है तो मिक्स करने में भी आसानी होती है। बट जो ग्रेटेड चीज़ है, अगर आपको थोड़ा चीज़ीपन ज़्यादा चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्रोसेस चीज़ यूज़ करिए या फिर जो चीज़ क्यूब होते हैं उसको ग्रेट करके आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर डाल दिया है क्रश करके। आप पाउडर ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं इसमें। और अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो आप चीज़ स्लाइस को इसके अंदर मिक्स ना करें। नॉर्मली वेजीज़ को थोड़ा मेयोनीज़ के साथ आप मिक्स कर लें ताकि जो वेजीज़ है वो इकट्ठे रहे और जो चीज़ स्लाइस होगा वो टैकोस जब हम बनाएंगे मैं आपको बता दूंगी, आपको वैसे ही चीज़ स्लाइस जो है उसको शीट की तरह वेजीज़ के ऊपर रख के ऐसे टैको को फोल्ड करना है। अब मैंने इस पर डाल दिया है थोड़ा सा ओरिगैनो। इस पे भी अगर आप चाहे तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं या फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है चाट मसाला।
चाट मसाला और चीज़, दोनों चीज़ में ही थोड़ा सॉल्ट का टेस्ट रहता है, तो बाकी जो हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो हमें वो उस हिसाब से ऐड करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी शुगर का इस्तेमाल किया है। और अब मैं डालूँगी थोड़ा सा टोमेटो केचप, आप कोई भी टोमेटो केचप ले सकते हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको साइड में रखेंगे और जो आटा हमने गूंद के रखा था उसको निकाल लेंगे और इसका छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे हम, और सूखी आटा लगा के नॉर्मल जैसे हम रोटी या पराठा बनाते हैं उस हिसाब से इसको बेल लेंगे, लेकिन साइज़ जो है नॉर्मल हमें रखना है, ज़्यादा बड़ा या पतला नहीं करना है। देखिए हमारा तैयार हो गया, ऐसे जितने टैकोस आपने बनाने हैं आप ऐसे बना के तैयार करें। उसके बाद हम एक पैन लेंगे या फिर आप चाहे तो तवा भी ले सकते हैं। उसके बाद बटर ब्रश करके हम ऐसे रोटी को सेकेंगे और जो मसाला हमने तैयार किया था वेजीज का वो ऐसे डाल देंगे और एक पतला जो है हम ऐसे उसके ऊपर चिपका देंगे। टैकोस जो है वो बिल्कुल सामने से खुला रहता है, वो चिपकेगा नहीं, लेकिन हमें ध्यान रखना है अंदर के वेजीज जो है वो बाहर ना निकल आए, क्योंकि उसमें चीज़ है, तो चीज़ वाली वेजीज अगर बाहर आएगा तो आपका पैन जो है वो ख़राब हो सकता है और टैकोस भी फट सकते हैं। तो दोनों तरफ ही हम ऐसे इसको बटर ब्रश करके पकाएंगे ताकि ये थोड़ा बाहर का जो लेयर है इसका पराठे वाला वो क्रिस्पी और कुरकुरा सा हो और अंदर जो वेजीज है वो भी सेमी कुक्ड हो जाए। वैसे भी हमने ऐसे वेजीज लिया है जो हम सेमी कुक्ड खा सकते हैं। तो देखिए हमारा टैको बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी होके तैयार हो गया है। आई होप बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे विथ अस।